सब लोग बोलो, पीछे वाले भैया लोग आप भी बोलो। देखो भगवान की कथा में ताली जरूर बजाते हैं, क्यों? क्योंकि ताली बजाने से महाराज हमारे हाथ की जो गलत लकीरें होती हैं वो भी सही में बदल जाती है। और इंसान भगवान के दरबार में जब जाता है तो महाराज कुछ पाने के लिए जाता है। आप यहाँ आए हो तो कुछ लेने के लिए आए हो, ठीक है? तो जब लेने के लिए आए हो तो छोटे बनकर यहाँ पर अगर रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा। बेटा बनकर अगर भगवान के दरबार में जाता है उसे सब कुछ मिलता है, और जो बाप बनकर जाता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी इंसान आए तो घमंड को अपने घर छोड़कर आए है, तभी उसे भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि विच माइंड एंड फाइव सेंसेस इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल, दैट विजडम इज नॉट स्टेबल। महाराज इंसान जब भगवान के दरबार में बैठकर घमंड करता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए घमंड को अपने घर छोड़कर इंसान को आकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सब लोग बोलो ताली बजाकर। आगे की बड़ी सुंदर कथा है।
यहीं भागीरथ के वंश में आगे चलकर महाराज खटभंग हुए, खटभंग के दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु के अज हुए और अज के महाराज रघु हुए, रघु के फिर महाराज दशरथ हुए और दशरथ के फिर आगे चलकर के चार बेटा हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैसे कैसे हुए महाराज ये कथा रामायण की आप भी बहन जी के द्वारा श्रवण करेंगे सभी लोग। पता रहा कितना